दोस्तों, मैं सपना सिंह पीरजिंग से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए आपके लिए चना और मूंग की दाल को अंकुरित करने की विधि। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिए आधा कटोरी काले चने और आधा कटोरी साबुत मूंग दाल। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हम इनको भिगोएंगे, तो यहाँ पे हम जो है बड़े बाउल ले लेते हैं। तो अब हमने बड़े बाउल ले लिए हैं, तो अब इसमें डाल देंगे हम चने और इसके अंदर डाल देंगे हम साबुत मूंग दाल। तो अब हम जो है इनको भिगोएंगे, तो अब इसमें जो हम पानी डाल देते हैं। तो देखिए, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, अब चनों के अंदर भी डाल देते हैं। देखिए, हमने जो है डाल दिया है पानी। तो अब हम जो है इसको चम्मच से इस तरीके से मिला देते हैं दोनों को। तो देखिए, हमने चने और मूंग दाल को पानी में भिगो दिया है। तो अब हम जो है इनको 8 से 10 घंटे के लिए भिगोने रख देंगे, उसके बाद हम इनको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 8 से 10 घंटे हो गए हैं और हमारे चने और मूंग दाल जो है फूलकर जो है आप देख सकते हैं कि डबल हो गए हैं। जब हमने भिगोए थे तो आधा आधा कटोरी थे और अब जो है एक एक कटोरी से ज्यादा हो गए हैं। तो देखिए, और हम चनों को भी दिखाते हैं। देखिए, तो हमने जो है इसका पानी निकाल दिया है, तो अब इसमें डालेंगे हम गरम पानी। तो दाल के अंदर डाल देते हैं और चना के अंदर भी डाल देते हैं। तो अब हम जो इनको इस तरीके से मतलब को साफ कर लेते हैं, यानी धो लेते हैं इस तरीके से। हमने चनों को धो लिया है, अब दाल को भी धो लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम जो इनका दोनों का पानी निकाल देते हैं। तो देखिए, हमने जो है चना और मूंग दाल के अंदर से हमने पानी निकाल दिया है, जो गर्म पानी था। तो हम जो इनको साइड करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कॉटन का कपड़ा। तो यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम चने। तो अब हम जो है इसको इस तरीके से इसकी पोटली बना देंगे, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, जिससे जो है हमारे चनों के अंदर हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर हवा लगेगी तो हमारे चने जो है अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसके अंदर बांध दिए, यानी पोटी बना दी है। तो अब इसको हम इस तरीके से बाउल के अंदर रख देंगे। तो और इस तरीके से हम दाल को भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी हम गांठ लगा देते हैं इस तरीके से। तो देखिए, इसके अंदर भी हमने गांठ लगा दी है और आप हमने जो इस दोनों बाउल के अंदर हमने रख दिए। तो इनको जो हम 10 से 12 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो चने हैं और मूंग दाल जो है अंकुरित हुए हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 10 से 12 घंटे हो गए हैं और हमने चने और मूंग दाल को जो है बांध कर हमने रखा था ढककर, तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं। चलिए आपको अब जो है खोलकर दिखाते हैं कि हमारे चने और मूंग की दाल जो है अंकुरित हुए हैं या नहीं। तो देखिए, हमारे चने जो है कितने अच्छे से अंकुरित हुए हैं, देखिए। तो अब हम जो है इनको बाउल में निकाल लेते हैं और हम आपको मूंग की दाल भी तो खोल कर दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी मूंग की दाल भी बहुत ही अच्छे से अंकुरित होकर तैयार हो गई है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्प्राउट्स आ गए हैं हमारी मूंग की दाल के अंदर जो है। तो अब इसको भी हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है मूंग की दाल और चनों को हमने पोटली के अंदर से बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अंकुरित हुए हैं हमारे मूंग की दाल और चने जो है। तो आप इसकी जो है प्रोटीन सैलेड बना सकते हैं, आप इसकी चाट बना सकते हैं, या फिर आप किसके मंगौड़ी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।